हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसेस। हम अपने चैप्टर 22 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लर्न कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 है। सो हमारा 6 जो क्वेश्चन है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में बताना है, किस तरह वो काम करते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 28 राज्यों में कार्यरत है। ठीक है बेटा, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर को बनाते हैं। मींस राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो मंत्रिमंडल है वो मिलकर विधान पालिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस विधान पालिका क्या क्या है? विधान पालिका वो एक अंग है सरकार का, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे राज्य विधानसभा और विधान पालिका। ठीक है, हर जो राज्य में एक क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा होती है, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चीफ मिनिस्टर के कार्य, कर्तव्य और जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं वो बतानी है। सबसे पहले उसको दूसरे मंत्रियों को चुनना होता है, फिर दूसरे मंत्रियों को वो पोर्टफोलियो विभाग उपलब्ध या फिर मंत्रालय देता है। कैबिनेट की सभी मीटिंग्स की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसको जो सरकार के जो कार्य है उसको उसके प्रति क्या है, उसको आंसर देना होता है। मतलब जो भी कार्य उसकी सरकार कर रही है उसका जवाब उसको विपक्ष को देना होता है या जनता को भी देना होता है। हाउ कैन ए बिल बिकम लॉ, कैसे एक जो बिल है कानून बन जाता है। देखो उसकी प्रोसेस देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है जिसमें बिल का इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल के बारे में बताया जाता है, इसकी जो डिटेल्स है उसमें जो भी लिखा होता है, जो जो इसका विवरण है उसको पढ़ा जाता है। सेकेंड रीडिंग में बिल के बारे में, बिल देखो क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बिल क्या है। जब किसी भी कानून को पास करने के लिए जो एक उसका जो प्रपोजल होता है उसको ही बिल कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड रीडिंग में उसके बारे में, बिल के बारे में पूरा डिस्कशन, विचार विमर्श, राय, लोगों के राय ली जाती है, सभी अपने अपने व्यूज़ देते हैं कि किस तरह से उसमें अगर कोई चेंज होता है तो चेंज किया जाता है। थर्ड रीडिंग में जो बिल है उसको सपोज विधानसभा में लाया गया तो उसको विधान पालिका के, विधान परिषद के सदस्यों के पास भेजा जाता है। फिर विधान परिषद के सदस्यों की सहमति के बाद उसको राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अंत में राज्यपाल की असेंट या सहमति के बाद जो बिल है वो कानून बन जाता है। अब देखिए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है बेटा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं ये व्यक्तियों के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा या फिर आदमी के समूह के द्वारा चलाए जाते हैं। अब जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता है कल्याण करना, जबकि जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, मतलब इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, जबकि सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर लोगों के लिए कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विधान परिषद की संरचना कैसे है, मतलब उसके सदस्यों के बारे में बताना है। अब देखिए, जो इलेक्टोरेट्स फॉर्म्ड आउट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, मतलब जो स्थानीय जो स्वशासन के जो लोग हैं वो मिलकर एक तिहाई सदस्यों को चुनते हैं। मतलब हम किसी को नहीं चुनते, हम हमारे द्वारा चुने हुए जो सदस्य हैं वही दूसरे सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब जो विधानसभा के सदस्य एक तिहाई सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्रेजुएट्स की एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है जहाँ से 112 सदस्यों को चुना जाता है। टीचर और सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी इलेक्ट इक्वली 112। ठीक है, अब 1/6 जो मेंबर्स हैं उनको गवर्नर, समाज के अलग अलग क्षेत्रों से, किसी को म्यूजिक के, किसी को खेल के, किसी के को फिल्म इंडस्ट्री के, मतलब लाइक जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से उनको चुना जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए चैप्टर 23 है हमारा, जेंडर एंड द रोल ऑफ वुमेन, लिंग और औरतों का क्या भूमिका है। तो क्वेश्चन है, राइट अबाउट द जेंडर इनक्वालिटी इन द इकोनॉमिक फील्ड, आर्थिक क्षेत्र में जो लिंग असमानता है वो क्या, उसके बारे में बताना है। जो औरतें हैं वो इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र में भी असमानता फेस करती हैं या सामना करती हैं। एक जैसे काम करने के लिए जो औरतें हैं उनको पुरुषों के समान काम किए जाने पर भी उनको पुरुषों के समान वेतन नहीं मिलता है।
अब अगर नाइट ड्यूटी है और लंबी दूरी की जो कार्य है उनके लिए पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है। वट आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटीज़ डन बाई बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़कियों लड़कों के द्वारा किए जाने वाले जो काम है वो कैसे अलग अलग हैं। जो बॉयज़ हैं उनको बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि लड़कियाँ क्या करती हैं, अपनी मम्मी अपनी माँ की मदद करती हैं घर के कामों में। गर्ल्स इंडोर गेम्स खेलती हैं जबकि बॉयज़ हैं वो आउटसाइड, मतलब घर के बाहर जा कर ही वो जो आउटडोर गेम्स हैं वो खेलते हैं। राइट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर इक्वलिटी। लिंग असमानता के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं उनके बारे में बताइए। सबसे पहला है समाज में औरतों का निम्न स्तर, निम्न दर्जा कि पुरुष से उनको कम आंका जाता है। फिर जो लड़कियां हैं उनके साथ भेदभाव, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्यावध, लड़कियों की शिक्षा को नकारना, बाल विवाह, मतलब ये सभी ऐसे फैक्टर हैं जो इनइक्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या है, कन्यावध। अब जो गर्ल चाइल्ड को जो कन्या होती है या फिर एक लड़की होती है उसको तुरंत जन्म के बाद मार देना ही कन्यावध कहा जाता है। डिस्क्राइब अ न्यू आइडियाज दैट एमर्ज इन द 19th सेंचुरी रिगार्डिंग लर्निंग एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन। जो 19वीं शताब्दी में औरतों की शिक्षा से लेकर जो नए विचार उदय हुए उनके बारे में बताना है। 19वीं शताब्दी में औरतों की शिक्षा को पे सॉरी 19वीं शताब्दी में औरतों की शिक्षा पे जोर दिया गया किसके द्वारा, बहुत सारे रिफॉर्मर्स सुधारकों के द्वारा, कि केवल शिक्षा है जिसके माध्यम से जो औरतें हैं वो जागरूक हो सकती हैं अपने अधिकारों के बारे में। सो बेटा आज हम इतने क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, ठीक है। और जो हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। और जब तक जितना भी आज हमने रिवाइज किया है वो आप दो दिन की छुट्टियों में, जैसे सैटरडे और संडे को आपका ऑफ होता है, मींस आपको एसएस का या फिर अदर सब्जेक्ट्स का काम नहीं होता, केवल आपको आई थिंक केमिस्ट्री का और संस्कृत का काम होता है। तो आप अच्छे से रिवीजन करें, कोई डाउट होता है तो डाउट सेशन में पूछा करें बेटा, ठीक है। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।